भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब सुन लिया आप सबने, अब सुन लीजिए, यकीन कीजिए और खुशियां मनाइए। आज रात को तो जश्न मनाइए। ये रमा वहां बेहोश पड़ी थी तो पानी के लिए 2.5 कोस तक भटकता रहा मैं, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। एक औरत अपने बेटे के साथ दिखी, मैं उसके पास दौड़ता हुआ चला गया। मैंने कहा, काकी मेरी पत्नी रमा वहां बेहोश पड़ी है। मुझे लगा कि उसकी ममता जग जाएगी ये सुनकर, वो पानी दे देगी, लेकिन 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 उसकी ममता अपने बेटे तक ही सीमित रही। मैं एक एक कदम तालाब की ओर बढ़ता रहा और मरी हुई मानवता को देखता रहा, जैसे अभी आप सबके चेहरे पर मरी हुई मानवता दिख रही है ना, ठीक वैसे ही आप सबके मुर्दों के सामने हर रमा मरी हुई लगेगी, हर रमा मरी हुई लगेगी। शांत हो जाइए ना, आप ऐसे रोइए मत, पर मैं जिंदा हूं ना, आपको छोड़कर थोड़ी जाऊंगी मैं। क्यों ना रोऊं मैं रमा, क्यों ना रोऊं मैं? मैं इंसान नहीं हूं, मुझे नहीं लगता है बुरा। जब मेरे जीवन में रंग बिखेरने वाली रमा ऐसे कोयले के रंग से काली खड़ी हो ना, तब तकलीफ होती है रमा, तकलीफ होती है। सबके लिए करो और छोड़ दो, ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, मगर असल जिंदगी में हर कोई थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी इज्जत की अपेक्षा करता है, उम्मीद रखता है। ऐसे मैं भी रखता हूं, यही वो करुणा भाभी है ना रमा, जिनके इस घर में रहने के लिए तुमने पता नहीं कितनी रातें बहस की होगी, कितनी रातें आग में चला डाली होगी, और ये करुणा भाभी तुमसे लकड़ी के जलावन के पैसे मांग रही थी। दो, तुमने पैसे उठाए ना वहां से, पैसे दो, दो पैसे। बताइए करुणा भाभी, एक वक्त का खाना बनाने में कितने पैसे लगते होंगे? दो आना काफी है।
लीजिए लीजिए। भीम अब तुम ज्यादा भावुक हो रहे हो। भावुक? मैं भावुक हो रहा हूं? मैं कहां भावुक हो रहा हूं बाला भैया? ये तो आप सबने जो क्रिया की है ना, उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। और मेरे हिसाब से भावुक तो आपको होना चाहिए था। जब रमा के बेहोश होने की खबर आई, हम सब दौड़कर वहां चले गए। आप भी आ सकते थे ना हमारे साथ, लेकिन आपने इनके साथ यहां इनके पक्ष में खड़ा होना चुना। अब एक छोटा भाई होने के नाते बस इतनी उम्मीद रखी मैंने आपसे, ये भी मेरी गलती हो गई तो मैं गलत हूं। दीजिए ना, नहीं दीजिए। ये सब भी वैसे ही, वैसे वो सब था। ये सब भी यही चाहते हैं कि आपकी रमा मर जाए। लेकिन बाकी सब में और इनमें फर्क है ना रमा? मेरे लिए तो था, मैं भी पुराना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमेशा उसके लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तुम्हें वह बेहोश पड़ा देखा, ऊंचे लोगों के मोहल्ले में पानी के लिए खुद को भटकते हुए देखा, और फिर यहां आकर अपने लोगों को बुरी खबर की प्रतीक्षा में देखा, नहीं रहा गया मुझसे रमा, नहीं रहा गया मुझसे। ओ चाल वालों, अगर तुम सबका ये रोना धोना हो गया हो तो एक खुशखबरी है तुम सबके लिए। कल मेरे बेटे शिशुपाल की शादी है। तुम में से जिस किसी को भी आना हो आ जाना, सबको एक वक्त का बढ़िया भोजन मिलेगा। हमें नहीं जाना आपके यहाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम में से जो जो शिशुपाल की शादी में आना चाहता है वो ताली बजाकर दिखाओ। इतनी लंबी चौड़ी भाषणबाजी, रोना धोना भावुकता सब थी, मगर जितने विरोधी तब थे ना, उतने ही विरोधी अब भी हैं। कुछ नहीं बदला है, फिर फायदा क्या हुआ? इतना चीखने चिल्लाने का क्या फायदा हुआ?
हाँ, मैं और आई तुम्हारे खिलाफ होकर इन सब की तरह ताली नहीं बजा पाए, मगर मैं ताली बजाऊंगी। आई सा आई जाने, पर मैं ताली बजाऊंगी। अकेली पड़ जाती थी तो डर लगता था। तुम्हें ताली बजाऊं और घर वाले मौका देखकर हाथ ना तोड़ दें। मगर अब तुम साथ हो तो डर नहीं लगेगा। बजाऊंगी मैं ताली, और क्यों ना बजाऊं, जरूर बजाऊंगी। सुंदर ठीक है तो तुम सब कल सुबह से ही आ जाना, साफ सफाई का काम भी करना। सबको शाम को बढ़िया भोजन मिलेगा। चलता हूं मैं। ए फुलिया, आज देना जाऊन कुछ भी बनाना, थोड़ी सी ज्यादा बना लेना, तो आज और रात का खाना वही में निकल जाएगा, और कल तो शादी में खाना मिलेगा ही है। चलो रमा। जोगू बाबू, लड्डू मिलेगा क्या? अरे काहे नहीं मिलेगा, अरे जरूर मिलेगा। अच्छा, दीपक के शादी में लड्डू की व्यवस्था रही है तो शिशुपाल के शादी में तो रहेगी ही, जरूर मिलेगा। वैसे तो मुझे खाने पीने का शौक है नहीं, मगर ताली बजाई है और भीम के दुश्मनों के घर से निमंत्रण आया है तो हम जरूर जाएंगे। हम मतलब मैं और करुणा। हाँ, मैं भी जरूर जाऊंगी। आप बहुत कमजोर हो गए और ये आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है। कमजोर हो गया हूँ मतलब? मतलब भीमराव अंबेडकर ऐसे कभी नहीं रहे जो गलत को सुनकर भी अंदर आ गए। छोड़ो रमा वो सब, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता तो हमेशा से रहती है आपको, और क्या चिंता है, बात बस इतनी सी थी कि आपने उनसे कुछ कहा ही नहीं, जबकि आप जानते सब कुछ है कि मेघनाथ ने उन्हें निमंत्रण क्यों दिया है। क्या कहता मैं उनसे, और मैं कुछ कहता भी तो वो सुनते थोड़ी। अरे इतने सालों से कह रहा हूं तो अब नहीं सुने, अब क्या सुनेंगे। और आज तो करुणा भाभी भी जीजाबाई जी के साथ मिलकर जोर जोर से तालियां बजा रही है। उन दोनों की तालियों की आवाज बहुत है रमा, इतनी है कि उन तालियों के सामने मेरी बात कोई सुन ही नहीं पाएगा। घर परिवार वाले किसी की ताकत बढ़ा सकते हैं ना, वैसे ही ऐसी हरकतों से किसी की ताकत छीन भी सकते हैं। लेकिन ये बात उनके लिए है,
जो भीमराव अंबेडकर नहीं है या फिर भीमराव अंबेडकर की तरह मजबूत नहीं है। मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, मगर इतना तो समझ गए कि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है ना, उसे क्या ताकत की जरूरत है और उसे क्या कोई ताकत छीनेगा। इसे देखिए माता, बाहर जाइए और उन्हें जो समझाना चाहिए था वो समझा कर आइए, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा इसलिए भीमराव अंबेडकर चुप रह गए। ये दाग नहीं आना चाहिए आप पर। जाइए। जिसे जाना है वो जाए, जिसे नहीं जाना है नहीं जाए। भीम भैया के समर्थक नहीं जाएंगे। अरे दीपक, ये जाना कौनो गलत नहीं है, समझे? अगर गलत होता तो तुम्हारे ये भीम भाऊ जो हर बात पे ज्ञान देते हैं, वो लंबा चौड़ा भाषण सुना के जाता है यहाँ से। लेकिन नहीं, देखो चुप्पे चाप चला गया। देखा नहीं, इस बार वो बिना बोले चला गया, मतलब जाना सही है, समझे? और अब उस भीमराव को अफसोस होगा कि उसे क्यों नहीं बुलाया खाने पर। भाई जीभ उसकी भी है, जायका उसे भी समझ आता है। क्यों जायका? जायके से ज्यादा ध्यान अपने जीवन पर देंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जरा सुधर जाएंगी। वही तो मैं सोचूं कि ये भीम बिना बोले बिना भाषण दिए चला कैसे गया है। मनोहर वो कुछ हाँ? अजीब सा लग रहा था ना, है ना? हाँ अब बोलो। बोलिए आप। आपको जो समझाना है आप समझाइए। क्या समझाएगा ये? एक यही समझदार है क्या? यहाँ और किसी के पास दिमाग नहीं है? आपको पैसे मिल गए हैं ना, तो मेरे पति के खिलाफ कुछ बोलने से पहले सोच लिया कीजिए आप। बोलूंगी मैं। यहाँ हमारे बीच समझदार बनने का ढोंग करेगा तो मैं जरूर बोलूंगी। बोलना है तो अंदर जाकर बोलिए, यहाँ नहीं। लक्ष्मी थोड़ा तमीज से। बाला भैया थोड़ा आप भी लिहाज में। औरतों की हर बहस में ऐसे आप कूदते रहेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? अब बोलिए, आपको जो कहना है आप कहिए। घर का मसला बाद में सुलझाते रहेंगे, पर आपकी बातें घर से नहीं बल्कि समाज और जात से जुड़ी है। मुझे बस इतना ही लगता है कि मेघनाथ जी ने आकर जो आमंत्रण दिया है आप सबको, वो इसलिए नहीं दिया है कि आप सबको वहां बुलाकर इज्जत देंगे, प्यार से आपको बिठाएंगे और फिर खाना खिलाएंगे। वो दिन भर आपसे काम करवाएंगे और रात में जो बचा कुचा खाना होगा ना वो आपके सामने फेंकेंगे और कहेंगे खाइए इसे। अरे जहां इज्जत नहीं मिल रही है और बाहर काम करके उस खाने से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है, ऐसी जगह पर क्यों जाना है आप लोगों को? अच्छा भीम तरुखी है, ये बता की का है? ये लोटा है। हाँ ये लोटा है। और ये का है? ये झाड़ू है। हाँ
ई झाड़ू है। और ई का है? बाल्टी है। बिल्कुल सही समझ रहे हो कि जो जैसा है वैसा ही है और वैसे ही है हम लोग छोटे लोग।